दोस्तों रात के 3 बज गए हैं। तो रात को 3 बज गए, 3:30 हो रहे हैं और मैं और जीजू हम निकल रहे हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे रखी अपनी धनो और अपनी जिस गाड़ी से जाने वाले हैं वो गाड़ी रखी है हाईवे पे। को सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है, देखते कैसा लगता है। गलियों में भी सन्नाटा है, कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। तो देखो मैं आ गया हूँ इस पार रोड पे और मुंबई में देखो रात में भी लोग काम करते हैं यार। स्विगी जोमेटो वाले रात को भी काम कर रहे हैं भाई। दोस्तों हम आ गए हैं अपनी कार के पास और ये देखो इससे हम जाने वाले हैं। 2-3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे शिरडी। ये देखो पानी बरस रहा था तो पूरी गाड़ी एकदम ओस से डूब गई है। हमारी गाड़ी हो गई है चालू। तो जाने से पहले हम लोग थोड़ा श्योर हो रहे हैं कि सब एकदम ठीक है कि नहीं, कि क्या है। हम लोग को जाने से पहले ये माला निकालनी पड़ेगी क्योंकि कांच पे ना बहुत सारी पानी आ गया है, तो वाइप करने के लिए ये खोलना ही पड़ेगा। पहले यार मैं अपना ये बैग रख देता हूँ कार के अंदर। तो हमारी गाड़ी अब जाने के लिए तैयार है, इसको हमने पोंछ दिया है अच्छे से और फिर भी पानी इस पर आ ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो इस कपड़े में इतना पानी निकला ना कि पूरा निचोड़ गया नीचे। काय की आवाज़ आ रही है, ये पानी बरसने के बाद इसमें इतना ओस की बूंदे आ गई है, तो इसको बाइक मार के थोड़ा साफ कर लेंगे और फिर निकल पड़ेंगे अपनी जर्नी पे। मैं आपको सही बताऊँ ना, इतनी रात को मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई। ये जाते रहते हैं साईं भक्त। सुबह का टाइम हो रहा है तो यार मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लेते हैं, तो इस जगह पे आके हम लोग चाय पी रहे हैं अभी। ये तबेला चाय करके है और ये कल्याण में है और यहाँ पे मतलब 24 घंटे चालू रहता है। ये लोग चाय ना कुल्लड़ में देते हैं, छोटा सा कुल्लड़ है 50 ml का, बट चाय अच्छी है करके इसलिए यहाँ पे बहुत लोग आते रहेंगे। तो भाई चाय पी ली हमने और चाय पीने के बाद एकदम मतलब फ्रेशनेस आ जाती है। रात के टाइम चाय मिल जाए ना तो भाई बात ही अलग है ना जी। सही बात है। तो हम लोग कुछ दूर पे आ गए और यहाँ पे हमें गाड़ी में CNG भराना है, तो अभी CNG भराने का काम हो गया उसमें चालू। हमारी गाड़ी अभी कम से कम आधा घंटा हो गया चल के, लेकिन फिर भी ये मोशन नहीं गया है और यहाँ पे CNG भरना एकदम चालू हो गया है। ये देखो ये पहले CNG भरता ना तो वैसे भी दूर रहना चाहिए उस जगह से। CNG भी भर गया है और अब इसमें पेट्रोल भी भरना है, तो यहाँ पर पेट्रोल भरना भी चालू है क्योंकि CNG और पेट्रोल इस गाड़ी में दोनों डलते हैं, तो दोनों डलवाने पड़ते हैं भाई। मौका बखत की बात है, क्या पता क्या क्या लगने लग जाए, है कि नहीं। दोस्तों हम लोग 3 बजे निकले थे और अभी देखो टाइम हो गया है 5:19, मतलब लगभग हम 1.5 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं और बस कुछ 1-1.5 घंटा और लगेगा तो हम पहुंच जाएंगे। ये देखो बाइक वाले तो बेवड़े हैं, एक दूसरे को संभाल रखा है, इतने बेवकूफ़ हैं क्योंकि इनकी नंबर प्लेट भी नहीं है और ये लोग गाड़ी पूरा झूला झूला के चला रहे हैं। देखो हम लोग बादलों के अंदर जा रहे हैं, देखो ये मिट्टी नहीं है, ये धुआं है जो बरसता है बाद में, मतलब बादल है। देखो कितना फॉग है और अभी ये दिन का टाइम है ना, नहीं आपको दिखाता था उधर नीचे ना खाई है बहुत बड़ी भाई, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये देखो सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम सब एकदम तो मैंने विंडो खोल दी है कार की और यहाँ पे देखो क्या खतरनाक फॉग है यार। तो हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत फॉग लगा हुआ है यार, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करने वाले हैं। जीजू बोल रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट करेंगे और यहाँ पे देखो भाई साहब कोहरा बरस रहा है। ओरिजिनल मानस रिजॉर्ट और ये यहाँ पे रिजॉर्ट बना हुआ है। दोस्तों हमने एंट्री कर ली है अभी नागपुर समृद्धि महामार्ग पर और ये ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है यार ये रोड, मतलब एकदम मजेदार है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी 1.5 घंटे तक चलेगी नॉन स्टॉप और रास्ते में कुछ भी चीज मिलेगी नहीं, ना ही दुकान ना ही कुछ। ये देखो पहाड़ भी कितना जबरदस्त दिख रहा है और सुबह का हो गया है टाइम। दोस्तों हम एंट्री करने जा रहे हैं इस टनल के अंदर, छोटी सी है लेकिन ये तो, लेकिन भाई ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम मजेदार। ये देखो वेलकम टू डिजिटल इंडिया, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है लेक।
टाइम से नींद आ रही थी यार, और हम लोग लगातार 2 घंटे से एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं और एकदम सीधे सीधे जा रहे हैं। पता है ना, जब सीधे सीधे हाईवे पे जाएंगे ना तो भाई नींद आने लगती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं इस जगह पे, ये महा चाय करके कुछ तो है, और ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे मतलब खाना भी मिलता है, और आप यहाँ पे डीजल भी भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं चाय वगैरह या कुछ और मिलेगा स्नैक्स वगैरह, वो लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे और थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे कुछ। तो हम लोग आ गए हैं इस पेट्रोल पंप वाले रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे देखो वो वाला है, वो वाला एक्सप्रेस हाईवे है, और यहाँ पे भी ये लोग कुछ तो बनाने वाले हैं। भाई इसके फ्रिज में ये बहुत ही ज़्यादा गंदगी लगी हुई है कुछ। तो यहाँ पे आके हमने लिया है नाश्ता, और यहाँ पे है पोहा, और यहाँ पे है वड़ा पाव। नाश्ता करने के बाद अब है चाय। वैसे जगह देखने में अच्छी है। यहाँ पे हो गया हमारा चाय और नाश्ता, तो अब आ गया है थोड़ा सा जोश, और फिर से चल पड़ेंगे साईं बाबा के पास। देखो ये वैसी दुकान है जैसी दुकान बाहर होती है ना, तो हमें निकलना है। तो दोस्तों ये है पेट्रोल पंप की महाचाय, में कोई दुकान नहीं है कि आपको कुछ खाने को मिल जावे, तो हम निकल पड़े हैं। दोबारा एक साइड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जाएंगे। तो दोस्तों एक्सप्रेस हाईवे पे ये पुलिस वाले मिलते हैं और उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं, तो सीट बेल्ट वगैरह लगा के रखें। तो हम लोग पहुंच गए अभी इस जगह पे। दोस्तों वैसे सीजन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है, लेकिन इस टाइम कम है। तो दोस्तों वापस हम लोग अपनी गाड़ी पे आ गए हैं, लेकिन बात ये हुई कि हम लोग सुबह गए थे और वहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे लगे, और वहाँ पे मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो हम अपने सारे मोबाइल इधर ही रख के गए थे। तो यार मैंने कोशिश की ले जाऊँ मोबाइल, लेकिन उधर भाई मोबाइल का एक चार्जर पिन भी नहीं ले जा सकते, इतनी सिक्योरिटी है।